हेलो फ्रेंड्स, सुनास क्रिएटिविटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम, देखिए ये वाला थलपोश डिज़ाइन जो हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं कि इसमें कैसे हम यहाँ पे वूल कट करके लगाएंगे। तो देखिए ये हम वूल कट करके लगा सकते हैं, इसमें हम वही वाला इसको बनाएंगे। और दूसरा आपके साथ इसकी डिज़ाइन शेयर करेंगे, उसमें हम यहाँ पर मोतियाँ लगाएंगे। तो एक हम मोती वाला थलपोश बनाएंगे और एक वूल जो कट करके लगाते हैं वो वाला बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके इसको हम बनाएंगे। ये देखिए उसका ये पार्ट वन है, सेकेंड पार्ट में मोती लगाना बताएंगे और फिर हम जो आज बनाएंगे उसमें भी हम इतना कंप्लीट करके आपको दिखा देंगे। उसके बाद में फिर हम उसमें मोती लगाना या फिर वूल लगाना बताएंगे किस तरीके से बनाएंगे उसको लगा करके। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इतना इसको बना लिया है। अब हम दूसरा जो बनाएंगे हम वो ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो ये देखिए इसमें हम लगाएंगे मोती वाइट कलर की, ठीक है, और हम वाइट वाले में वाइट कलर का ही थ्रेड लगाएंगे कट करके, जैसे हमने गेट बनाया था सेम वैसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा वूल है ग्रीन कलर का और क्रोशिया जो हम यूज़ करते हैं वही वाली है। देखिए इस तरीके से छः और इस तरीके से नौ नंबर की, ये देखिए। तो इसको देखिए हम इसको साइड में करते हैं और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम गांठ लगाएंगे ऐसे। ये सबसे पहले हमने गांठ लगा लिया और हम इसमें हम 10 चेन बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बना लिए। और देखिए इस वाले में नेक्स्ट यहाँ पे डाल करके इसको स्लिप नॉट लगाते हुए, स्लिप चेन लगाते हुए इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने राउंड शेप में बना लिया और यहाँ पे हम 1 2 और 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम 22 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस रिंग को हमको भर के कवर करना है। देखिए चेन को लेकर के 2 हो गया 2 3 4 5 6, देखिए 6 हो गया, 7 8 इस तरीके से करते हुए हम इसको कवर करते 25 हो गया, 26 27 28 29 और ये 30। तो बस 30 बार बना लेते हैं ये देखिए। और इसको यहाँ पे स्लिप नॉट से यहाँ पे हम इसको ऐसे देखिए फर्स्ट वाली चेन में यहाँ पे डाल करके ऊपर इसमें यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेते हैं। ऐसे करके ये देखिए इतना बनाने के बाद 25 बनाने के बाद और ये देखिए इसके फर्स्ट वाले चेन में डाल के ऐसे यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप नॉट से ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए स्लिप नॉट लगा लिया यहाँ पे हमने इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेंगे और देखिए एक जगह एक चेन में हमको डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं ऐसे और ये देखिए एक में डबल क्रोशिया और एक में एक डबल क्रोशिया, एक में 2 डबल क्रोशिया एक में 1 डबल क्रोशिया ऐसे करते हुए जाते हुए पूरे को कंप्लीट करना है। एक में एक और एक में डबल, ये देखिए एक में डबल बना देंगे, 2 बनाएंगे और एक में एक बनाएंगे देखिए इस तरीके से। तो इसको पूरा कवर करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीके से एक में एक बना लिया और एक में 2 बनाएंगे, उसी वाले में डाल के 2 बना लेते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया हमने इतना। यहाँ देखिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद इसको यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले चेन में डाल के ऐसे स्लिप नॉट से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3
तीन चेन बना लिया। और फिर सेकेंड थर्ड रो हम बनाएंगे इसकी, सेम वही प्रोसेस। देखिए एक में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया और एक में डबल क्रोशिया, यही करते हुए प्रोसेस पूरा हमें जाली रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए एक में एक और एक में डबल, ये देखिए एक में डबल बनाना है, एक में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से करके इस रो को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ये देखिए ये पूरा हमने बना लिया। इसकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो बन करके कंप्लीट हो गई। अब इसको भी देखिए यहाँ पे हम स्लिप नॉट से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पे स्लिप नॉट लगा दिया। इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह देखिए दस के बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस, इकतीस हो गया इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस, रुकिएगा अड़तीस उनतालीस और ये चालीस। देखिए चालीस चेन बनाएंगे हम, देखिए चालीस चालीस चेन बनाएंगे। और देखिए क्या करना है हमें, ये देखिए चालीस चेन बना करके इसी साइड में देखिए एक जो है ये एक हमारा जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया इसको गैप करके यहाँ पे हम ऐसे स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए बस एक, ये देखिए ऐसे इस तरीके से स्लिप नॉट लगाएंगे, एक गैप करना है। ये देखिए देखिए ये जो है ना यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एक गैप करके यहाँ लगा देंगे ऐसे, देखिए इस तरीके से आएगा। ये हमने 40, ये देखिए 20 एक साइड 20 एक साइड 40 का चेन बना लेंगे इतना। फिर हम यहाँ पे 40 चेन बना लेते हैं। देखिए इसी में फिर बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पूरा बना करके आपको फिर दिखाते हैं हम। ये देखिए हमने 40 चेन ये देखिए बना लिया, देखिए दूसरी है ये बन गई 40 40 चेन बना के हमने। फिर देखिएगा एक की देखिए डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में डाल के यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए देखिए इस तरीके से पास पास हम पूरी रो में ऐसे ही कंप्लीट करनी है, पूरा हमको ऐसे ही बनाते जाना है। तो देखिए 40 हमने दो दो बना लिए 40 वाले, देखिए ये 40 का चेन बनाया हमने। और फिर देखिए बगल बगल में एक, ये देखिए इस तरीके से देखिए हमने ये भी 40 का चेन बना लिया है। अब इसको देखिए इसको हम कैसे बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये देखिएगा, ये देखिए कहाँ ज्वाइंट करना है। ये देखिए हमें बस देखिए एक, ये जो हमारा ये एक वाला डबल क्रोशिया है ना इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है, स्लिप चेन से इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिएगा देखिए इस वाले में यहाँ पे डाल करके इसको ऐसे करते हुए स्लिप नॉट लगाएंगे ऐसे, देखिए इस तरीके से स्लिप नॉट लगाएंगे और इसको हम ज्वाइंट करेंगे। फिर से दिखाते हैं आपको एक बार, देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा 40 का चेन हो गया। देखिए 40 का चेन हमने बना लिया। अब देखिएगा क्या करना है, ऐसे इसमें से डाल के, देखिए इसमें डाल के देखिए ऐसे करते हुए इसमें से डाल के ऐसे स्लिप नॉट लगा देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर 40 चेन बना लेंगे। इसी तरीके से करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है, इसी तरीके से करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं कि पूरा चेन बनने के बाद इसका लुक कैसा लगता है। ये देखिए इतना बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अभी हाफ बन गया है, इसका हाफ बाकी है, इसका हाफ भी आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने, ये देखिए पूरा छरल लगा करके बना करके पूरा कंप्लीट कर लिया है पूरी चेन 40 वाली। ये देखिए हमारा लास्ट जो चेन बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए कैसे जस्ट इसके बगल वाले में यहाँ पे स्लिप नॉट लगाते हुए इसको ऐसे हम
ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ज्वाइंट किया हमने इस तरीके से, और उसके बगल में देखिए जो ये वाली चेन है यहाँ पे इस तरीके से करते हुए इसको ऐसे स्लिप नॉट लगाते हुए इस तरीके से थ्रेड को यहाँ पे हम कट कर देंगे देखिए, या तोड़ देंगे इस तरीके से। देखिएगा ऐसे ये हमारा पूरा बन करके देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसी में हमारी डिज़ाइन बनेगी, देखिए इसी में एकदम देखिए 40 बना दिया चारों तरफ से हमने इस तरीके से, इसी में हमारी झालर वाली डिज़ाइन बनेगी। देखिए जिस तरीके से हमने व्हाइट वाले में बनाया था, देखिएगा इस तरीके से ये बनाना है और इसके ऊपर से ये बनाएंगे। तो इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि इसमें क्या करना है, और उसके बाद से फिर इस पूरी थल पोस्ट को हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। और इसमें देखिए इसमें वूल कट करके लगाना है और इसमें हमको मोतियाँ लगानी है। सेम वही प्रोसेस है, बनाना भी वही तरीके का है, किस तरीके से जिस तरीके से बनेगा उसी तरीके से ये बनेगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।